नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राणा और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। खबर है जालौन से। जालौन के कालपी में अंबेडकर जयंती में रात्रि में चला रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें कि आए हुए कलाकारों ने गीत गजल सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो की नसीहत भी दी। विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 127वीं सांस्कृतिक जयंती समारोह के अवसर पर कालपी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंबेडकर छात्रावास कालपी में नगर पालिका अध्यक्ष बैकुंठी देवी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह मैनपुरी से पधारे कलाकारों ललिता बोध तथा ओम बीर बोध ने अपनी रचनाओं के माध्यम से महफिल में श्रोताओं को रात्रि मंत्रमुग्ध कर दिया। पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि जगजीवन राम अहिरवार ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी लोग बाबा साहब के द्वारा तैयार भारतीय संविधान का आदर करें। गायक प्रेमचंद ने अपनी बेबाक डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा, अपनी रचनाओं को सुनाकर जमकर भावाई बटोरी, जनता की बारी भीड़। कार्यक्रम में उम्र पड़ी। समारोह का संचालन हिम्मत सिंह गौतम ने किया। जालौन से चैनल इंडिया लाइव के लिए पवन गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।